मैं कहता हूं जीत तेरी ही होगी। तो बहुत बढ़िया वकील है, बढ़िया वकील। अच्छा बेटा, तेरे अपोजिट में एडवोकेट कौन है? एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। नहीं बेटा, तू ये केस नहीं लड़ेगी। तू उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ेगी। तू वादा कर बेटा। पापा क्या हो गया आपको? आप राघव सिंह राजपूत के नाम से इतना क्यों डर रहे हैं पापा? क्या आप उसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। मुझे कैसे पता वो कौन है? मैं नहीं जानता। पापा क्या हो रहा है ये सब? पापा उनके नाम से इतना डर क्यों रहे हैं? काव्या के भाई को लेकर जो कुछ हुआ है सारे न्यूज चैनल्स में दिखा रहे हैं वो। मेरे ख्याल में इस बीच काव्या और अमन की शादी होनी ही नहीं चाहिए। अगर फैसला इसके खिलाफ हो गया, अगर उसको जेल हो गई, तो क्या हमारा परिवार काव्या को एक्सेप्ट करेगा? किसी को जेल नहीं होगी। मैंने उनका केस लिया है, मैं लड़ रहा हूं उनका केस। और जब मैं कोई केस लेता हूं तब हार भी वहां से हार मानकर भाग जाती है। ये घिसा हुआ जूता है, पुराना सलवार कमीज और काला कोट पहनने से हर कोई एडवोकेट नहीं बन जाता। उस एडवोकेट ने मुझे चैलेंज किया है क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि राघव सिंह राजपूत चीज क्या है। भैया आप गलत कर रहे हो, अन्याय का साथ दे रहे हो आप। अगर उसने क्राइम किया है तो सजा उसको मिलनी चाहिए। काव्या के भाई को इस बात का पता होना चाहिए कि गलत तो बस गलत ही होता है। आपके पास पावर है, पोजीशन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप। शराब गौरव, छोटे भाई हो, छोटे की तरह ही रहो। आज काव्या के भाई युवराज ठाकुर की बेल के बाद अब उसकी एंगेजमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। उस 2 करोड़ की एडवोकेट को आज मैंने बता ही दिया कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आई एम द बेस्ट, आई एम द लॉ। अगली बार उस एडवोकेट अवस्थी को मैं अदालत में दिखा दूंगा कि कानून कोई खेल नहीं है। अरे जिस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूं उसकी तुम एक स्टूडेंट हो, और वो भी जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, इनफैक्ट जस्ट अ बैक बेंचर। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।